क्या हुआ? क्या कर रहा है पैर पे? क्या कर रहा था? अंडा रख रहा था घोंसले में, शायद कोयल का है, पत्ते पे गिरा इसलिए टूटा नहीं। लेकिन ये तो कौए का घोंसला है। तू भी घोंचू है पिछी, कोयल के अंडे हमेशा कौए ही पालते हैं, कोयल नहीं। तुझे किसने कहा? कौए ने। तू हैरान क्यों हो रही है? वैसे मेम साहब का अंडा भी तो। हट, इंसान का अंडा नहीं होता, बच्चा होता है। पिशी, बच्चा बाद में होता है, पहले अंडा होता है। जब डॉक्टर लोग एक औरत की कोख से निकाल कर ले, अंडे की फोटो आ गई अस्पताल से। नहीं पिशी, वो आपकी चिट्ठी नहीं है। रिपोर्ट आई है? हाँ, यहाँ पे साइन करा दीजिए। ये पकड़, मैं अभी आई। मांगो। इसी का इंतजार था। फोन आया था?
ये कोक के अंदर की फोटो है माँ। बच्चा ठीक तो है ना? मैंने राजमा भिगो दिया था, दोपहर के लिए बना देना। अच्छा। Mr. Singh, she's doing fine. Thank you, doctor. I still don't understand, uncle. ये सब कैसे हो गया? हालांकि अंदर जाली होती है, you know, लोहे की. And I swear मैंने इतनी जोर से धक्का भी नहीं दिया था उसे. दिया था. I know तू अब bore हो गई है मुझसे. तो इसलिए सोचा कि चलो. Reva, will you please shut up? और तू कब shut up होगी? सिया कल से तूने यही रट लगा रखी है. बोल रही हूँ ना, स्टिचेस खुल जाएंगे. तुम दोनों इस हाल में भी लड़ने से बाज नहीं आती. लड़ते झगड़ते तो दोनों बड़ी हुई हैं. तलवारों से तसल्ली नहीं हुई तो फिर जबान से शुरू हो गई. किसी दिन इस खून का बदला लूंगी तुझसे, देखना. हाँ, बदला क्या लेगी? बदले में जान मांग ले, दे दूंगी. पक्का? आजमा के देख ले. देखूंगी. रेवा, अब तू चुप नहीं हुई ना तो मैं जान से मार दूंगी, कसम से. आओ. तलवार से नहीं. Hi. Hi. How are you? कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ. Will you rub this, please? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? मेरा पर्स, my wallet, यही कहीं था. पता नहीं किधर. Are you sure? मेरे ख्याल में मैंने यही कहीं रखे थे. यही कहीं. कहीं घर तो नहीं छोड़ा? नहीं. चाबियां और wallet हमेशा मेरे साथ रहते हैं. दोनों साथ यहीं थे. चाबियां ये रहीं. Wallet कहाँ है? टैक्सी में छोड़ाए होगे. मैं गाड़ी में आया सिया. अच्छा. पता नहीं कहाँ. कोई बात नहीं, मैं पे कर देती हूँ. फूल खरीद रहे थे. रिवा के लिए. फूल तो ले लिए मैंने, बट नो प्रॉब्लम, आई विल पे. हाय. हाय. योर चेंज मैम. थैंक यू. थैंक्स. साहिल, कीप द चेंज एंड योर वॉलेट टू. यू? चलो, मेरे तो पैसे बच गए. मैं भी फूल खरीदने आई थी. रेवा कैसी है? बिल्कुल ठीक है. इनफैक्ट आज घर जा रही. अच्छा? मैं उसे अपने घर लेके जा रही हूँ. उसके पेरेंट्स ने इजाजत दे दी? अरे मजाल है, दोस्त मेरी है या उनकी. चलो. लिफ्ट. हे. अरे मॉम. नमस्ते आंटी. तुम कब आई? नमस्ते बेटा, चलो ऊपर चलो. चलो. हाय, व्हेन डिड यू कम? ओफो, ये आजकल क्या हुआ मॉम, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चार बार ऊपर नीचे आ जा चुके हूँ.
अरे ये कौन सा फ्लोर आ गया? माई रेवा का फ्लोर है, प्लीज चलो. यू आर टू मच. नमस्ते. हेलो अंकल. नमस्ते. हाय. नमस्ते अंकल. हेलो रेवा. मेरी जान. नमस्ते आंटी. कैसा है बेटा? ऑल सेट टू गो? कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आंटी. अरे वाह, दिस फॉर यू. अब अच्छी लग रही हो. घर जो जाना है. अरे रेवा देख, तेरे लिए मैंने खास बनवाया है. अपने नाम का टैग दे रही है ताकि तुझे कहीं छोड़ ना जाऊं. हाँ. और ये मेरे लिए ताकि मैं तुझसे हमेशा जुड़ी रहूं. सेम. एग्जैक्टली सेम. सिंह साहब, सिया ने मना लिया आपको? किस बात के लिए? यही कि रेवा हमारे साथ रहेगी. देखिए अंकल, मुझसे अच्छा रेवा का ख्याल कोई नहीं रख सकता. एम आई राइट? और इसके सबूत में मैं दोस्ती के पिछले 20 साल पेश कर सकती हूँ. इसकी गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ. हमारी नर्सों से ज्यादा ख्याल रखा है सिया ने. अमेजिंग टाइमिंग डॉक्टर, क्या बात है. सी, ये है इनके पेपर्स और प्रिस्क्रिप्शन. और बाकी हम आपकी सेवा में हमेशा मौजूद हैं. जिसकी जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है. थैंक यू. चलो छुट्टी. अब मैं चलूं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू. तो अब तो दो कारें हो गई, एक में तुम लेट के जा सकती हो. इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास वैन है, मैं घर छोड़ दूं. एक काम करते हैं, दो सायरन वाली मोटरसाइकिल सामने बुलवा लेते हैं, पूरा कार्रवाई चलेगा. अब आप यूं हो जाइए. या साहिल, यू आर परफेक्ट. एम एम मतलब मैरिज मटेरियल. जिस तरह से तुमने इस कमरे को कोजी बनाया है और मेरा ख्याल रख रहे हो ना, बहुत लकी होगी वो लड़की जिसे तुम शादी करोगे. थैंक्स. काश कुछ और लोग भी ऐसा समझें. तरा, रूम सर्विस. अरे वाह साहिल, 2 मिनट में इस कमरे की शक्ल ही बदल डाली. और ये फूल भी है यहाँ पर. मानना पड़ेगा. तो अब मैं चलूँ रेवा. आई थिंक आई लीव यू गर्ल्स विद ऑल योर गॉसिपिंग. बाय सिया. बाय. बाय साहिल. साहिल बहुत परेशान था. वैसे तेरा ख्याल बहुत अच्छा रखा उसने. हाँ भैया, मदारी तक पहुंचने के लिए जमूरे की चापलूसी करनी पड़ती है. क्या मतलब? As if तू नहीं जानती. He likes you and you know it, okay? Oh that, yeah that I know. पर ऐसे नहीं है जैसे तू बोल रही है. तो कैसे? कैसे मतलब? He's fond of me. लेकिन मैं अगले कुछ सालों तक इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहती. सिर्फ अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ. तो क्या साहिल तुम्हारे फ्यूचर में नहीं है? है, लेकिन अगर मैं शादी और बच्चों के चक्कर में पड़ जाऊं तो मेरा करियर तो पीछे ही रह जाएगा ना. क्यों, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती? आगे चलकर कहीं ना कहीं औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो मैं करना नहीं चाहती. फिलहाल तो साहिल ही कॉम्प्रोमाइज. ओफो, तू तो इस बात को लेकर ऐसे बैठ गई है जैसे साहिल मरा जा रहा है मेरे लिए. तो क्या मर के दिखाए, तब यकीन आएगा तुझे? एक्चुअली दिखा दे, आई डोंट माइंड. गॉड, ये सच. थैंक यू. यू नो सिया, दोस्ती प्यार की आखिरी हद होती है, और मैं दोनों हदों पे खड़ा हूं. दोस्त भी हूं, प्यार भी करता हूं. अच्छा, रेवा को ये पसंद आएगा? क्यों, उसे मुझसे क्या? मैं इसके लिए पूछ रही थी. उसे दोनों ही पसंद आएंगे, बीन्स भी और मैं भी. अच्छा सिया, मैंने जब भी तुमसे पूछने की कोशिश की है तुम सुनती नहीं या टाल जाती हो. यह भी नहीं है कि घेर घार के मैं तुमसे कोई जवाब चाहता हूं या फिर मुझे कोई जल्दी है. एक्सक्यूज मी, विल यू हरी अप प्लीज? सॉरी, आई एम सो सॉरी.
आपको ना सही ने तो है। हाय। I'm back, Riva. देख तुझे ये बीन्स पसंद है, मैं तेरे क्या हुआ देखा? आ साहिल, साहिल डॉक्टर को फोन लगाओ, नंबर टेबल पे पड़ा है। ओह माय गॉड, कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी? प्लीज जल्दी बुलाओ डॉक्टर को, साहिल। डॉक्टर शाह, सर आपके पेपर्स। घबराने की कोई बात नहीं है सिया, शिफ्ट कर रहे हैं ताकि तुम डिलीवरी रूम के पास रहो। अगले 24 घंटों में किसी वक्त भी बच्चे की उम्मीद की जा सकती है। 24 घंटे नहीं ध्रुव, चंद घंटे। आई जस्ट बी विथ यू। एवरीथिंग ऑल राइट डॉक? पहले डर था लेकिन अब कुछ नहीं लगता। बच्चा घूम रहा था, सर ऊपर नीचे हो रहा था ना उसका, तो अब कुछ नहीं, अब ठीक है सब। तुम जाओ सिया के पास, जाओ जाओ। थैंक यू। पानी पियेंगे? Take deep breath, please. Just hold on. Sister, एक छोटा तौलिया ला देना ठंडा करके। Yeah, yeah. सिया डर लग रहा है? आप बुला लूं मम्मी डैडी को? नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं जब तक मैं उल्लू का पट्टा। सॉरी, इट्स ओके, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। व्हाई डिड यू हैव टू, आई डोंट नो नर्स, कब होगा ये बच्चा? सिया देखो, सांस लो छोटी छोटी ऐसे। Are you all right? मुंह फुला बंदर लगते हो, तुमसे नहीं होगा, जाने दो। कब होगा? आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बुलाया है। क्यों? जाओ ना, मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर नहीं मार सकती, चीख नहीं सकती। Why don't you just go? Okay, going, going. नर्स प्लीज डॉक्टर को बोलो ना जल्दी करे, प्लीज नर्स बोलो ना। ध्रुव मल्होत्रा, ये आपकी साइन है? जी। पेशेंट का नाम है मिस सिया सेठ, सिया सेठ। कुंवारी है लेकिन इस फॉर्म में बच्चे की मां का नाम कुछ और ही है। मां का नाम? रेवा। रेवा जी। ये सिया है जी। तो रेवा कौन है? चले डोलियों में तुम्हें घर इरादा करो, उंगलियों में पहन लो ये रिश्ता और वादा करो।
से छनती हुई इस चमक की कसम, ये समंदर जो नमकीन है इस नमक की कसम, चौक से चांद पे लिख दिया है नाम हमने तेरा, ओ रेवा 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 रेवा, ले चले डोलियों में तुम्हें घर इरादा करो, उंगलियों में पहन लो ये रिश्ता और वादा करो, दिल किसी पे तो आना ही था, दिल का क्या कीजिए, इस पड़ोसी को जाना ही था, अब विदा कीजिए, तुम कहो तो तुम्हें सौंप दे अब तो वादा करो, हुआ 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 हुआ, ले चले डोलियों में तुम्हें घर इरादा करो, उंगलियों में पहन लो ये रिश्ता और वादा करो, हुआ 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 हुआ, कहिए कोई अच्छी खबर है?
ये अंगूठी फिर वहां छोड़ दी थी तुमने? छोड़ी नहीं थी, रख दी थी। वो रखने की जगह है ध्रुव, पहले ही दो बार खो चुके हो, कहाँ कहाँ ढूंढती रहूंगी मैं। इसलिए तो अब ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ तुम्हारी नजर पड़ जाए, ताकि ढूंढना ना पड़े। मिस्टर मल्होत्रा, शादी की अंगूठी उतारी नहीं जाती, ये मर्दों का मंगलसूत्र है। चलो पहनो इसे। आओ पहना दो। कोई बाधा नहीं, कोई समस्या नहीं, सारे ग्रह अपने अपने घरों में ठीक है। वो तो ठीक है पंडित जी, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। क्या कि तुम्हारे ग्रह ठीक हैं? अरे वो क्या जाने कौन से ग्रह कौन से घर में है। वो नहीं कि मेडिकली कोई बाधा नहीं है, फिर मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हूँ? हमारी शादी को भी 6 महीने हो गए अब। देखो बच्चे, ये सब ग्रहों के खेल हैं। तुम्हारा जो चंद्रमा है वो चौथे घर में है। चंद्रमा तो एक ही है पंडित जी, और अगर वो चौथे घर में है तो सबके लिए उसी घर में है। और भी तो औरतें हैं जो रोज रोज प्रेग्नेंट हो रही हैं, है ना? और अगर देखो बालक, राशि सबकी अलग अलग होती है जो जन्म से ही संबंधित है। शनि जब राहु के घर से निकलेगा तभी बालिका गर्भवती हो सकती है। और वो कब निकलेगा? पंचांग के हिसाब से 20 दिनों बाद, और उसके बाद के 2 महीने बहुत ही शुभ हैं। उन दिनों रोज प्रयत्न करते रहना, तुम्हारा काम अवश्य पूरा होगा, क्योंकि सूर्य जो है कन्या राशि से गुजरेगा। हेलो, लगता है उसी सूर्य का फोन है। ये लीजिए दीदी, टमाटर फिर महंगे हो गए। और साहब ने जुहू वाले घर से बड़ी सीढ़ी लाने को कहा था, वो मैं कल ले आऊंगा। कोई मरम्मत करवा रहे हैं दीदी? पता नहीं, साहब को बच्चे का कमरा तैयार करने की जल्दी लगी है। बच्चा? मुबारक हो दीदी। अरे नहीं रे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं। मैं एक बात कहूं? बस बस, फिर कुछ उल्टा सीधा कहेगी? नहीं नहीं, कह लो, तुम भी कह लो पीछी। तुम ना सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और एक शनिवार को उपास रखो, और पूजा के बाद काली मंदिर के बाहर लोगों को खाना खिलाओ, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और खुद कब खाओ? बुधवार और रविवार को। और वो बेवकूफ सबकी बातों में आ रही है, पता है वो किसी साधु वाधु के पास भी जाने वाले थे। I tell you, दोनों पागल हुए चले जा रहे हैं। You know, सिया, इस पागलपन में भी एक अलग मजा है। जब तुम्हें इस पागलपन का दौरा पड़ेगा ना, तब समझोगी। तुम तो वो स्लो डाउन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ सिया। मैं भी शादी के बाद की बात कर रही हूँ, और उसमें भी अभी काफी वक्त है, ये बच्चा बच्चा मेरे बस की बात नहीं है भैया। अरे भाई, हम लोग तो तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों बच्चे की बात कर रहे हो। नहीं भैया, वो सिया। कोई नहीं कोई नहीं, क्या मैं नहीं जानता कि तुमने ये खिलौनों की फैक्ट्री क्यों लगाई है? बिलीव मी, पिछले 2 साल से मैं यही सुनते आ रहा हूँ कि मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा मॉडल एरोप्लेन बनाऊंगा, और अगर बेटी हुई तो एक अच्छी सी डॉल बनाऊंगा। एनीवे, मेरी न्यूयॉर्क की टिकट कंफर्म हो गई है और मैं परसों जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार की ट्रिप कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, और वैसे भी तुम्हारी भाभी के कॉल आने कल से शुरू हो गए हैं। कल तो माँ का भी फोन आया था। भैया, ये हमारा नया बैच है। That's fine. आप अगले टर्म तो वापस आ जाएंगे ना? हाँ, अगर शादी वादी कर रहे हो तो जरूर आ जाएंगे। वरना तुम तो जानते हो कि वी आर ऑल हैप्पी देयर। एक तुम ही हो जो बस यहाँ दिल्ली में रहना चाहते हो, बट आई नो वाई, तुम्हारी वजह बहुत खूबसूरत है। एनीवे, कीप अप द गुड वर्क, गुड लक, बाय बाय सिया। बाय बाय भैया, सी यू लेटर भैया, बाय। हे उफ,
4। मुझे नहीं तो फिलहाल ये खिलौने ध्रुव को मुबारक। सर अंदर है। अच्छे से बच्चे का नाम या बच्चे का अच्छा सा नाम? बच्चे का तो आता पता है नहीं, फिलहाल नाम ही सोचे। डॉक्टर ने क्या कहा? हम दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पॉजिटिव है, फिर भी बेबी और वो सुरवे क्या कहता है? डॉक्टर सुरवे कहता है तुम दोनों जल्दी में हो, साल होने आया है शादी को, ये जल्दी है? कहता है बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, जिन दिनों तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हाई होगा उन दिनों कंसीव करना आसान हो जाएगा, तो अब क्या मैं थर्मामीटर मुंह में लगा के घुमा करूं? तो इसमें हर्ज क्या है? ये लो। ये क्यों रखते हो? मैं जो मुंह में लगा के घूमता हूं। गुड मॉर्निंग। क्या कहता है सुरवे का प्रिस्क्रिप्शन? कोई गर्मा गर्म न्यूज पढ़ो यार, शायद टेम्परेचर बढ़ जाए। चलो मैं अच्छा बना के क्या ये फिर से लगा लिया? अरे क्या हुआ ध्रुव? आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। उल्टी आ रही है। डोंट बी स्टूपिड। कुछ गलत खा लिया था क्या कल? अरे वही तो खाता हूँ जो तुम खिलाती हो। ऐसा तो कुछ नहीं था घर पे। नहीं, मेरे ख्याल से ऑफिस में कॉफी ज्यादा हो जाती है, उससे एसिडिटी हो गई है। यू नो उस दिन भी मैंने तुम्हारे टेबल पर डाइजीन पड़ी देखी। यू मस्ट शो इट टू द डॉक्टर ध्रुव, रियली। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए डॉक्टर के पास जाने का। दो No more coffee for you. क्यों? No. चलो डॉक्टर के पास अभी चलो, तैयार हो जाओ। Come on. रेवा, रेवा सुनो तो, रेवा। बीवी उम्मीद से हो और शौहर के सर में दर्द हो जाए, ऐसा तो बहुत देखा है। लेकिन अभी पत्ता भी ना हो कि बीवी माँ बनने वाली है और मियाँ जी उल्टियां करें, ऐसी मोहब्बत तो हमने पहली बार देखी। क्या ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर सुरवे, पत्नी प्रेग्नेंट हो और पति डिलीवरी के लिए चला जाए? अरे वाह, दैट विल बी डिफरेंट। डॉक्टर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं बाबा, ये देखो ये रही तुम्हारी लेटेस्ट रिपोर्ट। I don't believe it. We're pregnant.
नया नया धुला धुला आसमां खुला नया नया धुला धुला आसमां खुला तुमने आँख खोली तो के चेहरे पे क्यों शहद जैसी धूप चढ़ने लग गई है आपकी आँखों में क्यों नींद अपने सपने रखने लग गई है मुस्कुरा के जिंदगी ने कैसी हो बेटा बच्चों अब तो ने नाना नानी कहो कंग्रेचुलेशंस एग्जाम बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू मिठाई मिठाई खिलाइए जल्दी से मिठाई खिलाइए अभी ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए अरे अरे सबसे पहले मैं आपको बड़ी जल्दी खबर हो गई किरण आप लोगों को फोन करने से पहले रेवा ने मुझे फोन किया था ऑब्वियसली वो तो करेगी ही अरे मजाल है उसकी तुमसे पहले किसी और को खबर करे एग्जैक्टली एंड यू नो मामा रेवा इतनी खुश थी कह रही थी उसे पहले यकीन ही नहीं हुआ था क्यों नहीं बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है वो तो खामखा सो रही थी वो कहती नहीं थी लेकिन उसकी उदासी मुझे सुनाई देती थी कई बार सोचा बंबई चली जाऊं लेकिन व्हाट अ ग्रेट आइडिया सब चलते हैं हम लोग सब बॉम्बे चलते हैं मामा देखो मना नहीं करना प्लीज अरे जल्दी क्या है यूं कामकाज छोड़ के क्या है यार मामा आप हमेशा ऐसे करते हो यार अंकल चलेंगे बेटा अभी तो लंबा सफर बाकी है एक आध महीने में हाँ अभी तो उन दोनों को अपनी जिंदगी का ये नया मोड आपस में एंजॉय करने दो पर डैडी घर का भी तो कोई होना चाहिए ना आई मीन ध्रुव के पेरेंट्स होते तो अलग बात थी बड़े बुजुर्ग तो आप ही लोग है ना चलिए ना प्लीज जब गोद भरने की रस्म होगी हम सब चलेंगे हम बड़े बुजुर्ग और तुम छोटी बुजुर्ग ओके फिलहाल मैं साल के साथ प्रेजेंट खरीदने जा रही हूँ दोनों के लिए वैसे पिया जी आपने थोड़ी सी चल्ली बेटी पैदा की है क्यों जी आप नहीं जानते दोनों कैसी एक जान है हाँ ऐसी खुश है जैसे यही प्रेग्नेंट हो क्या पता वही हो जाए सहेली की देखा देखी सिया भी ये क्या ले आए शीरा इन दिनों तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है लो खाओ तुम्हें और जूनियर दोनों को ताकत देगा शाम को क्या लाऊं तुम्हारे लिए सिंघाड़ी क्या
वो क्या होते हैं? सिंगाड़े नहीं जानते? अरे वो जामा मस्जिद के बाहर नहीं मिलते थे? कच्चे भी मिलते थे, भुने हुए और उबले हुए, हर तरह के। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं लाना है माँ के लिए तो मत लाओ। हैं? किसकी माँ? तुम्हारे बच्चे की माँ, और कौन? ये जनरल स्टोर पे नहीं मिलेंगे। पता है, जामा मस्जिद पे तो मिलेंगे। हेलो मम्मी, मम्मी ये सिंघाड़े क्या होते हैं जी? और ये किस सीजन में मिलते हैं जी? अच्छा, आप लोग बॉम्बे कब आ रहे हैं? जी जी यहीं पर है, लीजिए उससे बात कीजिए, वैसे काफी चौड़ी हो रही है आजकल। हेलो मामा, कब पहुंच रहे हैं आप लोग? हाँ उसकी फिक्र मत कीजिए, हाँ जूहू का कॉटेज बिल्कुल रेडी है। सिंगाड़े? नहीं नहीं, वो तो ऐसी ध्रुव को तंग कर रही थी। ओके माँ, आई सी यू देन, बाय। हाय। कब से वेट कर रही हूँ साहिल, कितना वक्त लगा दिया। और मैं समझ रहा था बेताबी सिर्फ मुझे हो रही है। एनीवे, रेवा के लिए वो सिंघाड़े लेने जाना है, लेट्स गो। दो महीनों से तो यही सुन रहा हूँ सिया, सिंघाड़े लेने हैं, सिंघाड़े लेने हैं रेवा के लिए। साहिल, इज इट माय फॉल्ट कि ये सीजन अब आया है? अब चले कम। अच्छा तो कहाँ मिलेंगे पता है? फिर तुम्हें किस लिए बुलाया है? चलो वो देना जरा। चलो कहीं तो जरूरत पड़ी मेरी तुम्हें, कभी खुद के लिए भी इस तरह की फरमाइश कर लिया करो, एटलीस्ट एक अपनेपन का एहसास तो होगा। यू आर माई, तुम मेरे अपने हो। हाँ अपने क्या, ये समझने की जरूरत नहीं। आई लव यू। सिंगाड़ा सिंगाड़ा। इसे पैक करके कुरियर से भिजवा देना और सर मैडम डिस्पैच में लेके जाओ, मैं आके बताता हूँ क्या करना है। गुड इवनिंग मैम। सॉरी आई एम लेट। कोई बात नहीं, आओ बैठो, अभी 25 मिनट है, आराम से पहुंच जाएंगे। अच्छा टिकट्स अपने पर्स में रखो, मैं एक मिनट में डिस्पैच से होके आता हूँ। ओके ध्रुव स्टॉप प्लीज प्लीज। अरे अरे रुकता रुकता, क्या हुआ क्या? पानी पूरी गोलगप्पे खाते हैं ना प्लीज। ओह मैं समझा कोई सिग्नल तोड़ दिया। सिग्नल ही तो है पेट का। पेट का नहीं जीभ का, चटखोरी कहीं की। अच्छा दो मिनट। मम्मा डियर कम खाओ, खट्टा है, जूनियर का गला खराब हो जाएगा। दही वड़ा खा लूंगी ऊपर से, वो अभी बाकी है। भैया जी जो जो इन्हें चाहिए जल्दी से दे दीजिए, फिल्म शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। आराम से शुरू हो गई फिल्म। 40 मिनट हो गए, आप लोग तो बहुत लेट हो गए। 40 मिनट? हाँ सर, 4 रिले भी निकल चुके हैं। और कुछ खाना है? छोले रह गए थे, चले? नहीं पेट बहुत भर गया है, घर ही चले। हाँ चलो, अभी तो 4 महीने और बाकी है। बदमाश आदमी है। कौन? ध्रुव। और कौन? बहुत प्यार करते हैं तुमसे। जब जूनियर आ जाएंगे ना तब देखूंगी।
पीछे जरा फ्राइंग पैन हटा देना गैस से। अपनी चिट्ठी तो पूरी कर लो। बहुत अच्छी लग रही हो मामा। अरे दूसरा ड्रेस कैसा लगा? दूसरा कौन सा? पार्सल कहाँ है? माय डियर कैंगरू, ये तुम्हारे लिए। देखें ये फिट होता है कि नहीं।
प्यार करके गोदी भराई ले, सोला सिंगार करके गोदी भराई ले, सैया 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 से खेली बहुत अब छोटू को खिलाई ले, सोला सिंगार करके गोदी भराई ले, सोला सिंगार करके। थैंक यू साहिल, वैसे मैं रेवा से बहुत सहमत हूँ। यू आर परफेक्ट मैरिज मटेरियल। रियली? इसलिए कहता हूँ सिया, किसी और के हाथ आने से पहले मुझसे शादी कर लो। अंगूठी पेश करूँ? ये हर वक्त तुम अपनी जेब में लेके घूमते रहते हो, जो भी तैयार हो जाएगी उसे पहना दोगे? तुम्हारा नाम लिखा है सिया, देखो। पर ऐसे तो तुम्हारा नाम भी हो सकता है। कभी तो मेरी मोहब्बत का यकीन तुम कर लो, ये उम्र ही ना गुजर जाए आजमाने में। वाह 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 वाह, क्या बात है साहिल साहब। साहिल, ये दोनों कितने रेडीमेड मम्मी डैडी नहीं लगते, सीधा बिग जोश से लाए हुए। सिया, मैं क्या लगता हूं तुम्हें? क्या लगता हूं मैं तुम्हें? हस्बैंड, लवर, कॉलेज मेट, फ्रेंड या फिर? साहिल, क्या हर रिश्ते का नाम होना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। हां, मगर उसका मुकम्मल होना जरूरी है। यू नो व्हाई? उसके उधर जाने का डर रहता है, नहीं तो। नहीं साहिल, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता। देखो साहिल, मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। जब लड़के कहते हैं कि कामकाज लग जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद शादी कर लेंगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि यही बात उतनी ही लड़कियों पर भी लागू होनी चाहिए? मैं भी सेटल होना चाहती हूँ, और उससे भी ज्यादा पूरी होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फील कंप्लीट। गौर से देखो सिया, रेवा तुम्हें अधूरी लगती है? क्या हो रहा? रेवा, हाँ।
हेलो। हाँ ध्रुव बेटा, हाउ आर यू? हाँ है ना सिया? कमिंग मॉम। ध्रुव का फोन है। अच्छा, थैंक्स मॉम। हे प्राउड डैडी। क्या हुआ बेटा? आई एम कमिंग। खत्म हो गया सिया, टूट गया सब कुछ, सब। नहीं रेवा, ऐसे नहीं बोलते माँ, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे थोड़ी खत्म हो जाता है सब कुछ। सब ठीक हो जाएगा रेवा। अगली बार There's no अगली बार for me, Sia. This is it, बस। मैं कभी माने बन सकती मैं। सो रहे थे? जस्ट लाइक यू। जगाकर पूछती हो, हाउ आर यू? और रेवा कैसी है? नॉट गुड। मैंने नहीं सोचा था वो इतनी डिप्रेस्ड हो जाएगी। उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है साहिल। वो फिर कभी मां नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। ध्रुव ठीक है? ठीक है। हौसला बनाए रखने की कोशिश तो कर रहा है, कभी मैनेज कर भी लेता है तो कभी। Well, I can imagine. मैं भी आने की सोच रहा था, लेकिन कल अचानक माँ का फोन आ गया और मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं कुछ हफ्तों के लिए। ठीक है, मैं भी यहां कुछ दिन और रहूंगी। अभी रेवा को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। And what about रेवा's parents? वो नहीं आ रहे? नहीं, रेवा ने मना कर दिया। शाम को बात हुई थी। ओके,
मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊं, फिर बॉम्बे आ जाऊंगा एंड आई सरप्राइज रेवा। नहीं ठीक है, तुम्हें भी तो आंटी से मिले काफी अरसा हो गया है। और तुम्हें मिले? कम ऑन साहिल, मैं कहां भागी जा रही हूं? मुझे क्या पता, यहां मैं अमेरिका से जल्दी लौटने की कह रहा हूं, और तुम ना खुद बॉम्बे से जल्दी लौटोगी और ना मुझे वहां आने को कहोगी। सत्सिया, आप यू रियली यूनिक वन पीस। रिवा को मेरी जरूरत है साहिल, सिर्फ इसलिए मैं। सिया मजाक कर रहा हूं, तुम रिवा का ख्याल रखो जिस तरह सिर्फ तुम रख सकती हो, और ध्रुव का भी, उसका दर्द कुछ कम नहीं है। मैं न्यूयॉर्क से आके मिलूंगा बॉम्बे में, एंड आई लव यू सिया। आई लव यू टू। थैंक यू। मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ एजेंसीज में, 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगी। अब जब कुछ दिन हूँ यहाँ तो कुछ कॉन्टैक्ट्स ही बना लूँ। अंकल आंटी को खबर कर दी तूने? हाँ, रात को बात हुई थी ना, मैंने कह दिया कुछ हफ्ते और रहूँगी यहाँ। बीमार सहेली की देखभाल करने फिर से। तो तेरा क्या है? मेरी सहेली है। हाँ, मेरे यहाँ रहने से तुझे दिक्कत होती है तो मैं शट अप डिटो। हाँ, लेट्स गो। बॉम्बे इज वेयर द एक्शन इज। कुछ हैंडसम हंक्स शूट करने को मिल जाए तो क्या बुरा है। वैसे ध्रुव के ऑफिस में आते होंगे ना? साहिल से शिकायत कर दूंगी। साहिल ही विल अंडरस्टैंड, मेरे करियर का सवाल है यार। हाँ बेचारा साहिल, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है उसे। बाय बाय। हेलो। हाय बाबा। हाँ बोलो। शाम को बाहर चलना है? नहीं, दिल नहीं कर रहा है। मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि हम सब दिल्ली आ जाएं। डैडी भी यही चाहते हैं। अभी नहीं ध्रुव, मैं ठीक हो जाऊं बस कुछ दिन, फिर कोई काम भी शुरू कर लूंगी। तुम फिक्र मत करो। नहीं नहीं, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। ओके बाय। बाय।
पिशी देखना कौन है। अरे तुम वापस आ गए। क्या कर रही हो? बस ऐसे ही पहन के देख रही थी। क्या है देखो। दुख को पकड़ के मत रखो, उसे गुजर जाने दो। इतना आसान नहीं है ध्रुव। नजरिया बदलना तो मुमकिन है। क्यों अफसोस करती हो बाबा? इन हालात ने हमारे रिश्ते को एक नया रुख भी तो दिया है। अजीब सी कमी महसूस होती है ध्रुव। इस खालीपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अपना ध्यान कहीं और लगाओ, कुछ कर लो। मुझे जी नहीं बहलाना है ध्रुव, मुझे बच्चा चाहिए। मैंने कहा था किसी को गोद ले लेते हैं। मुझे अपना बच्चा चाहिए ध्रुव। I feel incomplete. I want to try again. हम ये रिस्क नहीं ले सकते रेवा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। I don't care. वैसे भी कौन सा जी रही हूं, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगी ना, या मां बन जाऊंगी। सोचो ध्रुव, हमारा अपना बच्चा होगा। रेवा रेवा रेवा, गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ। हकीकत से समझौता करो। तुम्हें शांति से समझा रहे हैं सब, जो मुमकिन नहीं है उसकी जिद मत करो। मैं सब सह सकता हूं, सब झेल सकता हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। हमारा कोई बच्चा नहीं होगा। तुम मां नहीं बन सकती, कभी नहीं। लेकिन रेवा प्रेग्नेंट है, उसने मुझे खुद बताया। क्या ये सच है? Is this true? इतने दिन मुझसे झूठ बोलती रही, एहतियात बरत रही हो कह के। पागलपन है ये रेवा, पागलपन। यू आर गोइंग मैड। देखो बेटा, यूं है कि ऐसा होता है कभी कभी। कुछ माओं की कोख बच्चा कंसीव तो कर लेती है, सब सही होता है, तंदुरुस्त होता है, हेल्दी रहता है, लेकिन कोख कमजोर होती है। 5-6 महीने से ज्यादा बच्चे को पाल नहीं सकती। लेकिन साइंस ने इतना तो किया है कि एक कोख में से बच्चे का बीज या अंडा कहेंगे हम उसे, दूसरी कोख में रखकर पाला है। लेकिन दिल और किडनी की तरह कोख ट्रांसप्लांट नहीं हुई है अभी। मतलब मेरे मां बनने का कोई चांस नहीं। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो अहेड विद दिस प्रेग्नेंसी। और सच कहूं तो कोशिश की उम्मीद भी छोड़ दो। अपनी जान और जज्बात को बार बार इस खतरे से गुजारना ठीक नहीं है।
मैं चलता हूं। मैं ले लेती हूँ। थैंक्स। चलो। नहीं नहीं, ये इस तरह इतनी जल्दी डिसाइड नहीं किया जा सकता। कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मसलन? एक काम करो, क्लिनिक में किसी वक्त आके मिलो मुझे। और इस डिजाइन का हम कट चेंज कर रहे हैं। यू नो द फिट इज वेरी स्लिम एंड द लुक इज स्ट्रेट सिंपल एंड स्लीक। तुम देख रही हो ना, मैं मीटिंग में हूँ, जाओ बाद में आना। सर आपके घर से फोन है, कहा है बहुत अर्जेंट है। रेवा से कहो मैं बाद में फोन करूंगा। रेवा जी नहीं, पिशी हैं। पिशी? एक्सक्यूज मी प्लीज। कुछ लोगे? मुझे अर्जेंट दफ्तर से बुलवाया, क्या इसलिए? तुम बताओ, मैं नहीं कह सकूंगी। ध्रुव, मैं रेवा का, मतलब तुम्हारा और रेवा का बच्चा पालना चाहती हूँ अपनी कोख में। इसी का आइडिया है, मैंने नहीं कहा। ध्रुव, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम दोनों का दिमाग तो नहीं चल गया है? जानती हो क्या कह रही हो? बच्चा है, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं जो स्कूल की लैब में करती थी। डॉक्टर सुर्वे कह रहे थे कि विदेश में ये बहुत ही आम तरीका है, हमारे यहाँ खुलेआम नहीं होता हमारे रीति रिवाज की वजह से, लेकिन होता जरूर है। काफी केसेस भी हैं जो सेफ भी है और सक्सेसफुल भी। मगर सिया को तो अपने खुद के बच्चे भी नहीं चाहिए, बार बार अपनी शादी की बात टाल चुकी है, क्योंकि इन दोनों के लिए जो वक्त और कमिटमेंट चाहिए वो सिया अपने करियर को देना चाहती है। मेरे वाको इस हाल में नहीं देख सकते, मुझे मेरी जान की तरह प्यारी है, और तुम जानते हो ध्रुव, उस जमाने से जब हम सब, ऐसा क्या है जो तुम नहीं जानते ध्रुव? नहीं जानता मैं उसका दर्द। क्या वो मेरा दर्द नहीं था? मैं अपना बच्चा खो चुका हूं, बच्चे की उम्मीद खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह का फैसला करने के लिए हर किसी तैयार नहीं हो। गॉड, तुम दोनों को अंदाजा नहीं है कि जिंदगी किस हद तक उलझ सकती है। सबसे जरूरी बात यह है ध्रुव कि ये तुम्हारा और रेवा का बच्चा होगा। मैं इसे अच्छा, तुम्हारे बच्चे को अगर मैंने गोद लिया होता तो ऐतराज होता तुम्हें? अगर कोख ले लूं तो क्या ऐतराज है तुम्हें? या दोनों बातें एक ही हैं, बच्चा गोद लेना और प्रेग्नेंट होना? शादी से पहले तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा हो, ठीक लगता तुम्हें? अगर शादी के बाद होता तो ठीक था, तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में? तुमने साहिल से बात की? ये मैं पूछ चुकी हूं उससे, और कह भी चुकी हूँ कि साहिल से पूछे बगैर हम। रेवा, अगर साहिल मुझसे प्यार करता है तो वो समझेगा,
ये तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, इसमें ध्रुव का भी कोई संबंध नहीं। पता नहीं तुम दोनों क्या करने जा रही हो। नहीं ध्रुव, इसमें मेडिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर मैं बड़े देहाती तरीके से किसी गांव वाले की तरह तुम्हें समझाऊं तो ये है। पकवान के लिए रेवा के यहाँ पतीला छोटा पड़ रहा है, इसीलिए सिया से बर्तन उधार ले रहे हैं बस। पर उसमें साग सालन तुम दोनों का ही होगा, तुम्हारा और रेवा का। और अब तो वो जमाना भी नहीं रहा, कहानियां सुना करते थे ना, पैसे देकर औरत रख ली या सौतन ले आए। अब तो मुंह दिखाई की भी जरूरत नहीं है, आजकल के जमाने में तो एक दूसरे को जानना भी जरूरी नहीं है। जेनेटिकली भी बच्चे के अंग रंग सब तुम्हारे और रेवा के ही होंगे, नाक नक्शा, और कहते हैं ना कि मिजाज हंसी माँ पर गई है, रोना नानी दादी पर। वो सब कुछ तुम्हारे ही खानदान से जुड़ा होगा, बल्कि सिया ये सब मिस करेगी। और इसमें एक कॉम्प्लिकेशन यही है, इमोशनल है। 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखा हो तो माँ अपने रिफ्लेक्शंस ढूंढती है, क्योंकि हार्ड मांस लहू तो वो ही देगी सिया। सिया तो बिल्कुल शांत लगती है। और तुम? मुझे तो घबराहट होती है। आप रेवा से पूछिए। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है सिया। डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, बस मां हो जाऊंगी। रेवा सिया के टेस्ट में ले चुका हूं, मेडिकली उसके लिए कोई खतरा नहीं है। मगर तुम ये करना चाहती हो कि नहीं? रोज नया कुछ
लिखती है तू जो भी लिखा है दिल से जिया है ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे ये लम्हा फिलहाल जी बेवजह ही कभी होंठों पे खिल जाती है अनजान सी खुशी बहती हुई कभी साहिल पे मिल जाती है फिलहाल जी लेने दे ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे Congratulations, Sia. इस बार तुम्हारी कोख ने ध्रुव और रेवा का बच्चा कबूल कर लिया. You're pregnant. मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी खबर मैं आपको इन हालात में दूंगी लेकिन अगर आपने रेवा को देखा होता जैसे मैंने देखा था तो आप समझते कि ये मेरी मजबूरी नहीं मेरी मर्जी है
अंकल, आंटी, मैं जानती हूँ कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, और ये भी जानती हूँ कि सिया की शादी का कितना इंतजार है आपको, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि मेरी शादी होगी ही नहीं। मुझे बोल लेने दो सिया, ये आसान नहीं है मेरे लिए भी। अपने साथ साथ सिया की जिंदगी को भी कॉम्प्लिकेट कर रही हूं, लेकिन आंटी क्या आपको यकीन नहीं है कि मेरी जगह अगर सिया होती तो मैं भी बिल्कुल यही करती। नहीं माँ, थैंक यू। मामा वो ला देंगे आप प्लीज वो लेंस। हाँ, तुम तो रेवा के साथ ही रहोगी ना? नहीं मामा, वो जुहू वाले शैक में। थैंक यू। अरे मामा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, और वैसे भी मैं उन पर ये कभी नहीं जताना चाहूंगी कि वो मेरे लिए जिम्मेदार है। आपको वो असाइनमेंट याद है, नया वाला? वो बॉम्बे में ही तो होने वाला था। वो रेवा ने जिद की, इसलिए कुछ हफ्ते पहले जा रही हूँ बस। एंड वैसे भी मॉम, यू नो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो तो मैं भी जानता हूँ, और वो मैं तभी समझ गया था जब एक साल की उम्र में तुमने जिद करके अपना खाना खुद खाने की कोशिश की थी। खाया कम था, गिराया ज्यादा था। और मैं चाहता हूँ कि ये फंटूश भी उसी तरह जिद करके तुम दोनों को तंग करे। ये सारे सरदर्द रेवा को मुबारक, बट थैंक यू डैड, आई एम श्योर शी लव इट। नाइस, रखते। थैंक यू। दीदी ये कहाँ रखूं? ऊपर लॉफ्ट में। ओके। यू नो इसके किनारे पकड़ पकड़ के ना मैंने खड़ा होना सीखा था। माँ ने संभाल के रखा है अब तक, जिद करके भेज दिया साथ में। लेट मी गेस, इसमें आपने खाना खाना सीखा था और ये आपकी माँ ने भेजा है, राइट? You're close. Oh, I knew it. पापा ने भेजा है। I'm sorry. मेरे पास अपने बचपन का कुछ भी नहीं है जूनियर के लिए, यादें भी नहीं। तुम हो ना, तुम्हारा प्यार है, और क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी, अब ये लवी डवी सीन बंद करेंगे आप लोग? मैं भी हूँ यहाँ पर। तो तुम्हें भी गले लगा लेते हैं, मना किसने किया? आ जाओ। That's better.
ये मैं कल जाके ना कुछ चटपटी खाने की चीजें सिया के लिए छोड़ आती हूँ। अब उसका भी मन करेगा ये सब खाने को। ख्याल रखना तुम्हारे और उसके बीच में हमारा बच्चा कहीं सूमो रेसलर की तरह ना दिखने लगे। नाक तुम्हारी आ गई तो वैसे भी मुश्किल है, ऊपर से आदतें भी तुम्हारी आ गई ना, तो फिनिश्ड समझो। उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए बस, लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। क्या लड़का लड़की होगी हमारी। फिर तो उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। कहते हैं कि अगर खट्टा खाने को जी करे ना तो लड़की होती है। तो पूछ लो सिया से उसका क्या खाने को मन करता है। लेकिन ये 100% सही नहीं होता, सही अंदाजा तो पेट देखने से लगता है। और अगर लड़की हो तो कहते हैं पेट ऊंचा होता है। एस लेकिन वो मेरे पेट में नहीं होगी ना। जीत जी। वो वाला लाइट वहां रखना, रहने दो मैं खुद कर लेती हूँ। अरे क्या कर रही हो। हाय रिवा, वजन नहीं उठाते तुम्हारी हालत में। इतना भी भारी नहीं था यार रिवा, लाइट है लाइट। कुछ भी हो ख्याल रखा करो ना अपना। चलो तुम्हारे खाने का और दवाई का दोनों का वक्त हो गया, आ जाओ। रिवा बस लास्ट टू शॉट्स, अब भी आती हूँ। खाना खा के ले लेना दो शॉट्स। सिया मैडम लंच ब्रेक कर ले। हाँ अब तो करना ही पड़ेगा, मेरी माँ जो आ गई है। लंच ब्रेक। रिवा कितना मैं तुम्हारे पैकअप तक यहीं रुकती हूँ, क्या पता फिर कब लाइट उठाने की जरूरत पड़ जाए। रिवा आई हैव सो मच फूड ऑलरेडी। रिवा रिवा आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। मायके जाना है? लड़कियां आखिरी दिनों में जाया करती हैं डिलीवरी के लिए, समझी। अच्छा तेरे मेरे बीच में कौन जाएगा, तू या मैं? तुम डिलीवरी के लिए जाना, आई विल गो थ्रू द पेन्स। ओके या या रिवा आई कांट ईट एनी मोर ऑफ दिस। रिवा मेरी मीटिंग ट्यूसडे को है क्लाइंट के साथ, मैं मंडे दोपहर की फ्लाइट से चली जाती हूँ। नो अगले 7-8 महीने तक तुम वही करोगे जो मैं जो डॉक्टर्स कहेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी, मैं खुद पूछ के बता दूंगी। व्हाट द हेल रिवा, प्रेग्नेंट मैं हूं यार। रिवा 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 तू क्यों टेंशन ले रही है यार, मैं पाल रही हूं ना बच्चा, आई टेक केयर ऑफ द बेबी, तू रिलैक्स कर ना। I'm sorry, मैं शायद गलत पथ पे आ गया। मैं फिर कभी आ जाऊंगा, आज ही आया था न्यूयॉर्क से, सोचा मैं तुमसे। नहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहीं चलकर कॉफी पीते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। हाँ साहिल, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तुम यहां होते तो तुमसे बात जरूर करती, तुम थे नहीं लेकिन तुमसे कहना बहुत जरूरी है।
इसलिए भी कि पिछले 4 सालों में तुमने 3 बार मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया, मैं हाँ नहीं कर पाई। उस वक्त मेरे शादी के मना करने की वजह में से एक ये भी थी कि मैं बच्चा नहीं चाहती थी, मैं प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी। उस वक्त मेरा करियर मेरे सामने था, पर ये सिचुएशन अलग है। साहिल, आई मस्ट डू दिस फॉर रिवा, माय बेस्ट फ्रेंड। योर बेस्ट फ्रेंड, आई नो, या एंड शी इज द बेस्ट, आई कांट बी बेटर। सिया, मैंने तुम्हें पहले भी पूछा था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह है, अब पूछना चाहता हूं कि कोई जगह है भी कि नहीं। तुम्हें ठीक नहीं लगता ये जो मैं कर रही हूं? यू डोंट अप्रूव ऑफ इट? यू वॉन्ट टू विदड्रॉ योर प्रपोजल? अब नहीं करना चाहते शादी मुझसे? साहिल, तुमने कुछ कहा नहीं। क्या कहूं मैं, बस इतना जानता हूं कि तुम प्रेग्नेंट हो और 2 महीना है। हेलो रेवा बेटा, क्या कर रही हो? इंतजार, दवाई का वक्त हो गया, अभी तक आई नहीं सिया। आ जाएगी बेटा, दवा में थोड़ी बहुत देर हो गई तो क्या है, अब उससे लड़ना मत, बच्चे पे असर पड़ता है, वैसे भी वो बीमार थोड़े ही है, खैर से माँ बनी है। कौन? सिया, मतलब माँ तो तुम हो, लेकिन वो भी तो माँ हुई ना। आपको लड़का चाहिए कि लड़की? मुझे तो मालूम है क्या होगा। कैसे? मेरा दिल कहता है। क्या कहता है? क्यों बताऊं, मेरे बच्चे को नजर लग गई तो। अच्छा ये बताइए, वो आपको क्या कह के बुलाएगा? पीछे तुम बहुत चालाक हो। लड़की होगी तो माँ कह के बुलाएगी, लड़का होगा तो भी माँ कह के बुलाएगा। तो रेबा माँ को क्या कहेगा? उसे भी माँ कहेगा। मुझे माँ बुलाएगा और इसे मासी माँ। अरे रे रे रे, मार डालूंगी मासी बुलाएगा तो। दोनों को माँ बुलाएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा? होने दो, बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा, पर बुलाएगा तो माँ। अच्छा चलो रेबा, नॉट दिस, कम ऑन। कोई नाम सोचा है बच्चे के लिए? पीशी, पता करने की कोशिश कर रही है लड़का है या लड़की, बिल्कुल मत बताना। वेरी क्लेवर। नाम कौन रखेगा? आई एम गेसिंग, जो बच्चे को दूध पिलाएगा वही नाम रखेगा। वेरी क्लेवर, सब कुछ तू करेगी तो मैं क्या करूंगी? तू नाभी बांधना।
पॉटी साफ करना, नैपी पॉटी पॉटी नैपी, कितने काम रहते हैं ना बेबी के। ओ, सब प्लान करके रखा है मैडम ने। बिग टाइम। मुझे बड़ा फक्र है अपनी बेटी पर पिया जी। दोस्त बहुत देखे हैं लेकिन दोस्ती इसे कहते हैं, कोई दूसरा करके तो दिखाए। दोस्ती के साथ साथ जिंदगी भी निभानी पड़ती है, मुझे औरों की परवाह नहीं है, सिर्फ ये सोचकर घबराती हूं कि साहिल क्या सोच रहा होगा। वक्त लगेगा लेकिन वो भी मान जाएगा, हमारी सिया ने जो किया है वो सबके बस की बात नहीं। आपको नहीं पता क्या गुजरने वाली है उस पर, 9 महीने बच्चा कोख में रखो तो पता चले। हमारी तो कोख ही नहीं है पिया जी, हमने तो उस वक्त भी तुमसे कहा था जब सिया पैदा होने वाली थी, कहा था ना कि ये हमारे पेट में दे दो, तुम्हारा दर्द हमसे देखा नहीं जाता, कहा था ना। अब सिया का दर्द कैसे देखोगे जब बच्चा पैदा होगा और गोद खाली हो जाएगी, बड़ा तो रेवा ही करेगी, मां तो वही है। हो सकता है उसके बाद मन बदल जाए और वो भी शादी के लिए तैयार हो जाए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी, आई एम सो एक्साइटेड, पहली बार जूनियर को देख रही हूं ना। वाओ, देखो सर नजर आ रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा तंदुरुस्त है। रिवा, बहुत खुशी हो रही है जूनियर को पहली बार देख के। आई कांट बिलीव इट। क्या क्या उसकी नाक मेरे जैसी नहीं है। चलो ना आज कहीं डिनर पे बाहर चलते हैं। जूनियर के नाम पे शैंपेन की बोतल भी खोलेंगे। फैंटास्टिक आइडिया। तुम सिया को फोन करो, मैं रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाता हूँ। ओके? सिया को? हाँ, उसे को मैं 20 मिनट में उसे लेने आऊंगा, तैयार रहे। तब तक तुम भी तैयार हो जाओ। Hi Amar, through here. Could you please reserve a table for 3? 9 baje tak pahunch jayenge. Okay, thanks. Good. Siya ko kyun? Kya wo nahi chalegi dinner pe? Nahi, maine socha sirf hum. Are, wo saath hogi to junior bhi hamare saath hoga na? Aur Reva, aaj ye sab usi ki wajah se mumkin hua hai na? उसे कह दो मैं 15 मिनट में उसके यहां पहुंच रहा हूं। ओके? ये क्या सिया, अभी तक तुम ऐसी बैठी हो? रेवा ने फोन नहीं किया क्या तुम्हें? किया था, तुम लोग जाओ ना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। रियली मूड नहीं है? क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही बस, सच्ची जाओ ना तुम लोग, रियली मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ध्रुव। भाई हम तो अपने बच्चे के साथ खाने पे जाना चाहते हैं, अब तुम पैकेज डील में आती हो इसलिए तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा ना। कम ऑन, इट विल बी गुड, इट विल बी गुड फन। कम ऑन, जूते कहाँ तुम्हारे? रियली ध्रुव, तुम लोग जाओ ना, मेरा सच में मूड नहीं है, प्लीज। साहिल से कुछ
बात हुई। कोई बात नहीं हुई उस दिन से। उस दिन से बीच में एक दो बार रुखी सुखी बात हुई थी, बस उसके बाद कुछ नहीं। उसे वक्त तो सिया, इन हालात को समझना इतना आसान नहीं है। मुझे भी तो वक्त लगा था। नहीं ध्रुव, उसने मेरे लिए बहुत सारे समझौते किए, खुद से, अपने परिवार से, लेकिन इस बार मैंने उसकी हद तोड़ दी। वरना आज के दिन वो मुझसे ना मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा, I'll call you back. आज कहता था जब तक असली एनिवर्सरी की तारीख नहीं मिलती, आज ही का दिन मनाएंगे जब हम पहली बार मिले थे 4 साल पहले। इन 4 सालों में ध्रुव ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने आज मुझे फोन तक नहीं किया। मैंने उसे खो दिया ध्रुव। सिया, मैंने उसे खो दिया ध्रुव। सिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। साहिल की बर्दाश्त का अंदाजा नहीं है तुम्हें। उसे थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। साहिल को लेकर सिया बहुत अपसेट थी। काफी मनाने की कोशिश की लेकिन डिनर के लिए मानी नहीं। उस हालत में उसे छोड़कर आना ठीक नहीं होता ना। दिल के सन्नाटे खोल कभी, दिल के सन्नाटे खोल कभी, तन्हाई तू भी बोल कभी, तन्हाई तू भी बोल कभी।
छाया चुनता रहता है, क्यों रिश्ते बुनता रहता है, पर छाया चुनता रहता है, क्यों रिश्ते बुनता कोई नहीं, क्यों वादे सुनता रहता है, दिल के सन्नाटे खोल कभी, दिल के सन्नाटे खोल कभी, तन्हाई तू भी बोल कभी, तन्हाई तू भी बोल कभी। भाई संडे ब्रंच में क्या हो रहा है, बहुत भूख लगी है। वो तो शेफ के बाजार से आने के बाद ही पता चलेगा। कह तो रही थी कुछ स्पेशल बनाने वाली है तुम्हारे लिए, क्या हुआ? पता नहीं कुछ हो रहा है। थ्रो आओ आओ बैठो, इधर बैठो। शायद नहीं, फिर से हो रहा है। हेलो डॉक्टर सुरवे, सिया को बहुत तकलीफ हो रही है पेट में, पता नहीं। Are you sure? मैं लेकर आता हूँ। चलो डॉक्टर हैं क्लिनिक में, दो मिनट में दिखा के वापस आते हैं। पहले बिठाते हो फिर उठाते हो, अब रेवा कॉलेज में कहीं नहीं जा रही। तुम चलो तो सही, उसे वक्त लगेगा आने में। कम ध्यान से। प्लीज टेक माय बैग, बाय पिशी। ध्रुव कहाँ है? डॉक्टर साहब के पास गए हैं, सियामा की तबीयत खराब हो रही थी। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, ध्रुव ने शायद फोन किया था, वही ले गया है। मेरे लिए कुछ कहा नहीं तो?
हेलो डॉक्टर सुरवे, घबराओ मत रेवा, सिया बिल्कुल ठीक है एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर। नहीं नहीं, तुम यहाँ आके क्या करोगी? अरे पहली पहली हरकत हुई है पेट में तो घबरा गई। बच्चे ने लात मारी होगी माँ को, जल्दी करो बाहर निकालो मुझे। लो ध्रुव से बात करो, लो। हाँ बाबा, हेलो, लाइन कट गई शायद, इट्स ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक। ओके हम चलते हैं, टेक केयर सिया। थैंक यू डॉक्टर, बाय बाय बाय। आ क्या हुआ? फिर से लात मारी, देखो देखो। एवरीथिंग ओके? हाँ, वो जूनियर ने लात मारी, कम। रेवा, तेरे बच्चे ने मुझे अभी से लात मारनी शुरू कर दी। सगी माँ के पास जाने की जल्दी जो है। क्या कहा डॉक्टर ने? Nothing, rest is best. Mm-hmm. तो शेफ, ब्रंच की क्या खबर है भाई? हाँ भाई जूनियर, और मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ अभी आता है। पेशी? नाइस। ले आओ। ओके रेडी, गुड गुड गुड। हाँ परांठे। थैंक्स। थैंक यू। आहा पराठा है आज तो। Want some butter? किस हक की बात कर रहे हो तुम? किस हक से तुम अभी उसका इंतजार कर रहे हो? Don't get us wrong, साहिल, हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। आज तक तुम्हारी बात मानकर हम इंतजार करते रहे, यही सोच कर आए थे कि इस बार तुम्हारी बारात उसके पास लेकर ही जाएंगे। इतना सब हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं, और अब भी वही इंतजार? अब क्यों साहिल? मुझे अपना हक जताने या जाहिर करने की जरूरत नहीं है माँ, रहा इंतजार छोड़ दूंगा, मगर प्यार? ओ, पता नहीं क्यों ये चीज सैंडविच खाने का बड़ा जी कर रहा था। नो बट रियली, मुझे लगा जैसे एक बड़ा सा चीज का टुकड़ा मुझे बुला रहा हो। आओ, आओ। बस फिर क्या, खाना ही पड़ता है। वरना कहते हैं बच्चे के मुंह से हमेशा राल टपकती है अगर माँ की कोई खाने की इच्छा पूरी ना हो तो। ओके ओके, ये तो कुछ भी नहीं, रेवा का तो आधी रात को टिकियां खाने का मन किया करता था, आलू की टिकियां। Really? और अगर बाहर से ना मिले तो बस यही राल वाली बात सुनाकर मेम साहब मुझसे टिकियां बनवाया करती थी। वो भी रात को 2 बजे। मुझे भी याद है, मैं उन दिनों बॉम्बे एक शूट के लिए आई थी और रेवा मुझे वर्सोवा से ताज लेकर गई थी, उन्हें वॉफल्स खाने का बड़ा मूड हो रहा था। दस नौ मोलूस में कौन सी बड़ी बात है, हम लोग अब भी लंच करके निकले थे ध्रुव। मुझे आज भी वो लम्हा याद है, हम दोनों ने कितने प्यार से वो सपना पाला था, इतना नाजुक कि बस अचानक एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अच्छा जाओ, अब जाकर सो जाओ और फिर से वही सपना देखो, क्योंकि बहुत जल्द वो हकीकत बनने वाला है। और अच्छा, इन आखिरी दिनों में तुम यहां पर हो,
हमारे साथ। अरे हाँ, तुम्हारा तो चेकअप था आज, सब कुछ ठीक है? एक कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर का ख्याल है और मुझे भी लगता है कि तुम्हें आलू की टिकियां फिर से बनानी पड़ेंगी बहुत जल्द। चूड़ी ओके ओके जस्ट वन मोमेंट ओके ओके अनीता लिटिल टू द राइट प्लीज ब्यूटिफुल होल्ड दैट जी थोड़ा अंदर लेना या ओके ब्यूटिफुल यस लिटिल टू द लेफ्ट और कितना वक्त लगेगा आई एम सो सॉरी आज ज्यादा ही कुछ तकलीफ हो रही है वो तो होगी ही हमें भी हो रही है एक काम करिए डिलीवर द चाइल्ड उसके बाद हो सके तो काम पर लौट आना दोनों करना वो भी एक साथ शायद मुश्किल है मेरी मुश्किल के लिए आपको तंग होने की जरूरत नहीं है मैं अपना बच्चा और अपना करियर दोनों संभाल सकती हूँ एक साथ और बहुत अच्छी तरह आपको आपकी तस्वीरें कल मिल जाएंगी जीत जी मैडम बैकअप ओके मैं अपना बच्चा और अपना करियर दोनों संभाल सकती हूँ एक साथ और बहुत अच्छी तरह हाय पिशी अरे आगे सी है हाँ आज पैकअप जल्दी हो गया क्या हुआ तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी कहीं दर्द हो रहा है डॉक्टर सुरवे को फोन करूं सिया नहीं रेवा मैं बिल्कुल ठीक हूं वो एक क्लाइंट ने आज ऐसे ही दिमाग खराब कर दिया इस हालत में फजूल की टेंशन लेना जरूरी है बच्चा हो जाए फिर चले जाना काम पे अच्छा मैं बाहर जा रही हूं पीछे से कह दिया तुम्हें जूस दे देगी और लंच के साथ आयरन टैबलेट्स खाना है भूलना मत काम बंद करो और ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं सुन लिया यार तंग आ गई हूं मैं सबके इंस्ट्रक्शन सुन सुन के प्रेग्नेंट मैं हूं बच्चा मेरी कोख में पल रहा है तुम किस बात की इंस्ट्रक्शंस दे रही हो मुझे लीव मी अलोन मुझे जो भी करना है मैं कर लूंगी ओके हद हो गई बच्चा ना हुआ मुसीबत हो गई ये लो और कुछ कलर्स ध्रुव ये बेड कवर कैसा रहेगा जूनियर के कमरे के लिए ब्लू पेंट कराने की सोच रही हो ना भाई घर आपका मुलाजिम आपका आप जो कहेंगे वही अच्छा रहेगा एनीथिंग एल्स सर नहीं बिल बना दीजिए प्लीज कैश इज अपस्टेयर्स दिस वे दैट्स इट या ओके दैट्स इट मेरा बैग कहते हैं आदमी सही मायने में कामयाब तब होता है जब वो अपनी बीवी की खर्चने की काबिलियत से ज्यादा पैसे कमाता है और अब मुझे अपनी कामयाबी का अंदाजा हो जाएगा सिया क्या कर रही हो ये सब खुद किया तुमने मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी तुम लोगों ने जल्दी आकर सब कुछ गड़बड़ कर दी क्यों करतब दिखाने पे तुली हो
कहीं गिर पड़ती, कुछ हो जाता बच्चे को तो। बस कुछ दिन और हैं, बर्दाश्त कर लो, जल्दी छुटकारा भी मिल जाएगा। रेवा क्या बकरी हो तुम, तुम्हारे लिए ही तो कर रही है ये सब, हमारे बच्चे के लिए कर रही है ना। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा कहाँ का ध्रुव, तुम्हारा होगा या इसका, माँ तो ये बनी है और 10 बार मुझे सुना भी चुकी है। ऐसा ही होना था तो मैं बच्चा गोद ले लेती ना, लेकिन मुझे माँ बनना था। क्या मिला मुझे, माँ बनने के सारे सम्मान, सारे आदर इसी के, सारा तजुर्बा भी इसी का है, इसी की मर्जी चल रही है। मैंने तो ये रख नहीं सोचा था ना नर्सरी के लिए। I'm sorry, Riva. मैं इस कमरे का रंग बदल दूंगी, तुम खुद बदल लो। अब मैं क्यों, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्यों? Okay, okay, take it easy now. जो हो गया सो हो गया। कुछ नहीं हुआ है अभी। जिंदगी भर का जंजाल नहीं चाहिए मुझे, और ये बच्चा भी नहीं चाहिए। गिरा दो इस बच्चे को। Are you crazy? जानती हो क्या कह रही हो तुम? ध्रुव, I can't be here. मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, मत लेना। मगर और कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा सुन रहा है। तुम्हारा बच्चा रेवा। रुको सिया, रेवा तुम बाहर जाओ। सिया, सिया। सारे फैसले तुम दोनों ही करोगी क्या? अब बस। कल से अब वो बेहतर है, और सिया की बिल्कुल चिंता मत करना। I'll keep checking on her, okay? Thank you. हेलो साहिल, तुम कब आए? बस अभी। सिया तो सो रही है, घर से कुछ सामान लाना है, चलोगे? या चलो। ध्रुव, रेवा कहाँ है? घर से चली गई है। मतलब? मतलब अब वो हमारे साथ नहीं है, जुहू वाले मकान में रह रही है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था ना ये सब करो, जो खुद दिया था अब लग रहा है कि उसे छीन लिया गया है। अब इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, और सिया जिसने मांग कर सब कुछ लिया था, सारा दर्द सारी तकलीफें, वो अपनी जगह इनसिक्योर हो रही है। दोनों को खो दिया, सहेली भी, बच्चा भी, उस पर तुम्हें भी, और तुम भी तो हो जो अलग जाके बैठ गए। मैं कौन होता हूँ इस सारे अफेयर में? एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जो कि मुझसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन एक दूसरे शख्स के बच्चे को अपनी कोख में पाल सकती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति है। मैं कौन होता हूँ यार, मैं कौन होता हूँ इस सारे अफेयर में? बस एक उल्लू के पट्ठे की तरह घूम रहा हूँ चारों तरफ इन सबके। कब तक, किस लिए? तो तावीज बना लो ना उसके प्यार का, वो जो नहीं मिली, या अपनी कुर्बानी की तावीज बना लो। कुर्बानी तो उसने दी है अपनी सहेली के लिए, ना मुझे बताया ना मुझसे बांटी। क्या मुझे बताया था उन दोनों ने जब मिलकर ये फैसला किया था? बस सुना दिया था, लेकिन जी रहा हूं ना मैं उनके फैसले पर। मैं भी तो जी रहा हूं उसी फैसले पर। हाँ जी रहे, कोशिश तो कर रहा हूं जैसे भी। अब इसे क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं कर सकते। ध्रुव, ध्रुव क्या हो रहा है बताओ ना, क्या हो रहा है? ज-
ज्यादा ऊपर नीचे होने से बच्चा घूम गया है, नाड़ी गले में फंस गई है। I'm sorry, ध्रुव। उस दिन शायद सीढ़ियां चढ़ते वक्त मैं सिर्फ ये कि सिया को लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, बच्चा एक पल और घुमा तो चोक भी हो सकता है। डॉक्टर, चांसेस क्या है? इट्स डिफिकल्ट। बच्चे का घूमना हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हो सकता है इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़े। डॉक्टर, इस बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, नहीं तो रेवा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। काम डाउन सी, वो मर जाएगी डॉक्टर। यू हैव टू, वो मर जाएगी। रिलैक्स, मर मुरली। मैम साहब के लिए कुछ कोरियर में आया है। अच्छा, तू ये साइन करके दे दे, मैं ये मैम साहब को देकर आती हूँ। तुम्हारी सहेली और तुम्हारा बच्चा दोनों की जान खतरे में है। इस वक्त तुम्हारी कितनी जरूरत है उन्हें, इसका फैसला तुम खुद कर लो। क्या हुआ माँ? साहब ने बुलाया? नहीं, बुलाया नहीं। साया किसने डाला है, वक्त का साया किसने डाला है, हो रहेगा Thank you.
है वो मिटता नहीं। वक्त का साया किसने टाला है, वक्त का साया किसने टाला है, वक्त का साया किसने टाला है, देर इज एन इमरजेंसी सर, मैडम को लेकर ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं। डॉक्टर सुरवे कहाँ है? वो भी गए ऑपरेशन थिएटर में। प्रेवा नहीं आई? इधर डॉक्टर, ब्लड प्रेशर 200/160। ब्लड प्रेशर हाई है, जनरल एनेस्थीसिया देंगे। ओके डॉक्टर। डोंट वरी बेटा, यहाँ ठहरो। ब्लड प्रेशर इज हाई, जनरल एनेस्थीसिया की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर सिया, बच्चे को जल्दी निकालना बहुत जरूरी है। एनेस्थीसिया का असर शुरू हो गया है, शायद 10 मिनट से ज्यादा ना मिले। I'll try my best. डॉक्टर, बच्चे की हार्ट बीट अब सिर्फ 40 है। माँ का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है, ऑपरेशन करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। सिया को बचा लो, गॉड, सिया को बचा लो। वक्त निकला जा रहा है डॉक्टर, बच्चे का गला घुट जाएगा। लेकिन माँ का बीपी हाई है। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज आइए। बच्चा डिलीवर करने से ब्लड प्रेशर भी जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ तो ब्लीडिंग का खतरा है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ऐसे रिस्क से दोनों की जान जा सकती है। किसी एक की तो बच सकती है डॉक्टर। All right, डॉक्टर। ब्लीडिंग अभी भी बंद नहीं हो रही है डॉक्टर। नर्स, वन मोर यूनिट ऑफ ब्लड प्लीज। सिया मैम,
इनकी असली माँ को तो मैं तो सिर्फ फिलहाल की माँ थी। कोई भी रिश्ता फिलहाल का नहीं होता, रिश्ते हमेशा के होते हैं। रिश्ते हमेशा के होते हैं, ऐसा ही कुछ कहा ना तुमने? बस बहुत रिहर्सल हो गई। अब हमें अपनी फैमिली बनानी है। इसी जेब में हुआ करती थी, कहते थे हमेशा अपने साथ रखोगे। मैंने भी तो बहुत सताया है ना तुम्हें, कब तक इंतजार करते? तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सिया? अपनी नाक से आगे तुम्हें कभी कुछ नजर ही नहीं आया। Ha 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 ha!